सो नाउ विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम नाउन की रिवाइज़ करेंगे नाउन क्या है? किसी भी का किसी भी चीज़ का नाम नेमिंग वर्ड बोलते हैं नाउन आर्टिकल और वर्ड अगर ऐड कर दे जैसे ए मैन तो ये भी नाउन होगा या ए एन apple, तो ये भी नाउन होगा आर्टिकल प्लस वर्ड नाउन होता है या वर्ड या एसा ई एस, एस जुड़ जाए तो वो भी एक नाउन होता है वो क्या होता है प्लूर नाउन होता है वर्ड या एस आई ई एस सो so ये सारे वर्ड्स होते हैं हमने देखा था कि नाउन की जगह जो यूज़ करते हैं प्रोनाउन होते हैं एंड दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ जैसे यू योर योर हिज शी हर हर्स सो हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में तो ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना नाउन एंड प्रोग्राम प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है तो ठेका ऑब्जेक्ट का किसी ने दिल्खा है नाउन एंड प्रोनाउन नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो दो ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा हर एक चीज प्रपोजिशन के बाद लगी जैसे ऑन इन ये एट ये सारे तो वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे अगर वो प्रपोजिशन के बाद लगें दैट विल बी ऑब्जेक्ट लेकिन अगर वर्ब के बाद तभी ऑब्जेक्ट होगा जब उसका आंसर वॉट एंड होम में मिल रहा हो वॉट एंड होम तो वर्ब के बाद अगर वॉट एंड होम के बाद अगर आंसर मिला हो तो दैट विल बी ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के बाद जो भी लिखा होगा नाउन एंड प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट होगा लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उसमें आंसर मिल रहा हो वॉट एंड होम का ओनली दैट दैट विल बी ऑब्जेक्ट जैसे ही किक द वोल तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है मेन वर्ब है एंड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वी टू है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं हमें पता है प्रोपोजिशन के बाद लिखा वो हो तो ऑब्जेक्ट होगा ही लेकिन ये ही किक द वॉल अब ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है तो पूछो ही किक टू वॉट ही किड द बॉल तो आंसर मिल रहा है वॉट का ही किट ही द वॉल तो यस बॉल वर्ब का ऑब्जेक्टिव है तो है वर्ब एंड वर्ब का ऑब्जेक्टिव है द बॉल ऑब्जेक्ट है द बॉल और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रो प्रोनाउन होता है और हमें पता है किसी भी वर् वर्ड के पहले दा आता है मतलब वो नाउन है तो ये क्या है नाउन एंड ये क्या है किक द बॉल ही किक वॉल द बॉल मतलब ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का यहाँ पे द बॉल दो चीज़ें एक तो ये नाउन है मतलब इसका नाम क्या है ये नाउन है ऊपर से ये किसका काम कर रहा है इसमें इस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब सेंटेंस में किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का तो ये है तो नाउन लेकिन किसके तरह काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह तो पार्ट स्पीच क्या है नाउन है फंक्शन किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट का काम क्या करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन तो ये क्या है प्रोनाउन तो मतलब ये ऑब्जेक्ट हो सकता है ही किल्ड हिम शी किल्ड हिम तो शी किल्ड हुम हुम लिख के रखो वॉट या हुम लिख के देखते हैं हु शी किल्ड हिम तो आंसर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया तो ये प्रोनाउन भी है और ये पार्ट स्पीच में प्रोनाउन है एंड इसका फंक्शन क्या है ऑब्जेक्ट सेंटेंस में फंक्शन क्या है हम का ऑब्जेक्ट इसमें किल्ड क्या है मेन वर्ब है एंड कौन सी सेकेंड फॉर्मूल है वी टू जैसे वी एट मैंगोज तो वर्ब है वर्ब के बाद हर वर्ड तो ऑब्जेक्ट नहीं होता वी एट वॉट what का आंसर क्या है मैंगो ए क्या है नाउन है सो नाउन भी है और ये इसका पार्ट स्पीच में ये नाउन है एंड वैसे क्या है ये सेंटेंस में इट इज़ अ ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है सो so, जैसे वर्ब है आई लव यू सो आई लव यू में क्या होता है लव क्या है वर्ब है यू आई लव होम होम से पता चल जाएगा वर्ग का ऑब्जेक्ट के लिए हम होम या वर्ड पूछते हैं तो हुम आई लव यू 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 है क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है नाउन या प्रोनाउन तो so, यहाँ पे यू क्या है इट्स अ प्रोनाउन सो so, यहाँ पे यू क्या है इट्स अ ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ स्पीच में इट इज प्रोनाव आई लव क्या है वर्ब तो ये लिखा है द बेबी वॉज क्राइंग अब यहाँ पे क्राइंग के बाद मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है अगर यहाँ पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट लिखा होता तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हो तो जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट पता कराने के लिए अगर वर्ब है तो हम वाट या होम लिख पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं अब जैसे शी केम ऑन टाइम अब यहाँ पे वर्ब क्या है केम सो केम इज़ अ वर्ब अब यहाँ पे क्या है ऑन टाइम अब हमें क्या किसका रिप्लाई चाहिए था वॉट एंड होम का तो शी केम वॉट शी केम होम आंसर नहीं मिल रहा है ऑन टाइम आंसर नहीं मिल रहा है तो यार शी केम वैन वेन से आंसर मिला रहा वॉट एंड होम से आंसर नहीं मिला तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ऑन क्या होता है प्रपोजिशन सो प्रपोजिशन के जो भी बाद में लिखा होता तो है वो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट में क्या है ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है एंड इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टाइम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे यहाँ पे जैसे आई एम गोइंग टू लंदन यहाँ पे क्या है मेन वर्ब गोइंग अब यहाँ पे वॉट एंड होम लगा के देखो आंसर आ रहा है वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है तो यहाँ पे आई एम गोइंग वॉट आई एम गोइंग होम आंसर नहीं आ रहा तो यहाँ पे टू क्या है प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद जो भी लिखा होता है वो क्या है इट इज़ प्रपोजिशन के बाद जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन का और ये क्या है नाउन है तो पार्ट स्पीच में नाउन है एंड इस सेंटेंस में क्या है इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे मेन वर्ब का कोई भी प्रपोजिशन नहीं है क्योंकि वाट एंड होम से आंसर नहीं निकल रहा है मेन उन का कैसे निकला वेयर आई एम गोइंग वेयर लेकिन आंसर कैसे निकलना चाहिए वॉट एंड होम से तभी वो वर्व का ऑब्जेक्ट होता है जैसे राहुल स्पीक्स लाउडली अब वर्व है ये वर स्पीक्स अब वर्व के बाद जैसे राहुल स्पीक्स वॉट वो राहुल स्पीक होम इससे आंसर निकलना है नहीं निकलना है तो लाउडली इज नॉट ऑब्जेक्ट राहुल स्पीक्स लाइक हाउ यहाँ पे हाउ का मिल रहा है लेकिन वॉट एंड होम का नहीं मिल रहा है जबकि मिलना चाहिए वॉट एंड होम का आंसर मिलना चाहिए तो इज इट इज नॉट ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का लाउडली मैंने पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है नाउन एंड प्रोग्राम तो ना ही ये नाउन है ना, ना प्रोग्राम ये क्या है एडजेक्टिव so, ये वर्ब को मॉडिफाई करा तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आई सॉ अन आई सॉ वॉट असिकमैन आई सॉ अन तो यहाँ पे असिकमैन हो जाएगा ऑब्जेक्ट सो क्या वर्व तो वर्व का ऑब्जेक्ट क्या है सिकमैन so, क्योंकि वर्ग का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या पूछते हैं वॉट या होम सो so, यहाँ पे सिख मैन ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे ए मैन ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा तो यहाँ पे सिख तो नाउन और प्रोनाउन नहीं है इट इज तो यहाँ पे बस सिख लगा दिया लेकिन हमारा यहाँ पे आई सॉ वट में मैन आएगा या मैन इज एन ऑब्जेक्ट वट इट इज अ नाउन पार्ट स्पीच में नाउन है एंड इस सेंटेंस में मैन इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब जैसे यहाँ पे है कि द सपोर्टर्स रैन अवे फ्रॉम द मीटिंग द सपोर्टर्स रैन अवे फ्रॉम द मीटिंग अब यहाँ पे द दटपोर्टर्स रैन वॉट रेट होम रैन वेयर वेयर से आंसर आ रहा है अवे फ्रॉम द मीटिंग सो वॉट एंड होम से आंसर नहीं आ रहा तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब सो यहाँ पे अब हम देखें ऑब्जेक्ट कहाँ से थे सर प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड लिखा था वो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में क्या है ये नाउन है नाउन कैसे है क्योंकि दा के बाद कोई भी वर्ड लिखा होता है वो नाउन होता है तो इट इज़ नाउन यानी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मीटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन आंसर so है आई मैट अल गर्ल आई मैट अर्ल आई मैट मैट क्या वर्क हो गया आई मैट होमर्लिफुल गर्ल गर्ल तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तो एडजेक्टिव है ठीक है नाउन की विशेषता बता रहे थोड़ी से ब्यूटीफुल नहीं होगा वर्क ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी अ गर्ल स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ कार है अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पे फॉल इन फॉल इन के बाद यहाँ पे शार्पली लिखा हुआ है यहाँ पर शार्पली क्या नाउन भी नहीं है प्रोनाउन भी नहीं है एंड फॉल इन वट फॉल इन होम तो यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है तो इट इज़ नॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या ये है ये एडवर्व है फॉल इन शार्पली वर्व की विशेषता बता रहा है तो इट इज एडवर्व ये नाउन इन प्रोनाउन ही तो ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि नाउन इन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है नाउन एंड प्रोनाउन ही होता है क्या तो अब एक ईजी तरीका होता है हमें इसको देखने की जरूरत नहीं अगर वर्ब के बाद हमें वॉट एंड होम से देखने की जरूरत है हम क्या देखते हैं वर्ब के बाद वॉट एंड होम क्वेश्चन देखते हैं हमें वो देखने की जरूरत नहीं अगर वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन लिखा है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा अदरवाइज नहीं होता ही किट द बॉल तो बॉल क्या है नाउन एंड प्रोनाउन है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट है इस ची किल्ड हिम ये वर्ब के बाद क्या प्रोनाउन है नाउन प्रोनाउन में से हो तो ये क्या ऑब्जेक्ट है इससे वर्व है वर्व के बाद ऑब्जेक्ट है अभी एट मैंगो तो वर्व क्या है एट एंड मैंगोज ये क्या है नाउन तो ये ऑब्जेक्ट है सो तो आई लव यू लव क्या है वर्व और यू इस नाउन एंड प्रोनाउन प्रोनाउन है तो इट इज ऑब्जेक्ट इट शी केम ऑन टाइम वर्व के बाद तुरंत क्या नाउन एंड प्रोनाउन लिखा है नहीं लिखा हुआ है ऑन प्रोपोजिशन तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना कि वर्व का तो अगर वर्व का अगर ऑब्जेक्ट होता है तो डायरेक्ट वर्व के बाद आता है बीच में कुछ नहीं आता बीच में प्रोपोजिशन आ रहे थे प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना कि वर्व का जैसे तो वर्व क्या है गोइंग गोइंग के बाद क्या तुरंत कोई नाउन एंड प्रोनाउन है नहीं है तो ये टू लिखा है प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन का है ये ऑब्जेक्ट लंदन प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट विच इज नाउन राहुल स्पीक्स लाउडली तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन नहीं है तो क्या है ये क्या है ये है एडवर्व वर्व की विशेषता बता रहा है तो इट इज नॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैन तो यहाँ पे सिक लिखा हुआ है ये बस ऐसे लिख दिया है वैसे वर्क के बाद डायरेक्ट नाउन है तो ये क्या है इट्स का ऑब्जेक्ट हो जाएगा जैसे द सपोर्टर्स नैन अवे फ्रॉम द मीटिंग अब यहाँ पे क्या है एंड वर्व है एंड गुण गुण गुण। तो तो वर्व, वर्व, वर्व के बाद क्या है ये एडजेक्टिव है जबकि वर्क के बाद क्या होना चाहिए नान इन प्रू नाउन होना चाहिए तो इसमें वर्व का ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे आई मेट अ ब्यूटिफुल गर्ल तो यहाँ पे वर्व हो गया वर्क के बाद अ गर्ल ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा जैसे प्राइसेस ऑफ कार हैव फॉलन शार्पली तो फॉल इसके बाद वर्ब के बाद क्या नाउन प्रोनाउन आ रहा है नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का सो so क्वेश्चन हम ये ऑब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं ये हम पढ़े एक्टिव एंड पैसिव के लिए क्योंकि एक्टिव पैसे में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं जब आपको पता ही नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट क्या है तो आप किस तरीके से पैसेव एक्टिव पैसेव करोगे तो एक्टिव पैसे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट